सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार। लेकिन अब तक ये क्यों सो रहे थे? मेरा तो सवाल ये है, जब एक कारगिल का योद्धा सामने आता है और वो ये कहता है कि मैंने कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, मैंने देश की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए था? और 4 मई की वो घटना है, उसके बाद 18 मई को FIR लिखी जाती है, 12 जून को NCW को शिकायत दी जाती है, सदन का सत्र शुरू होता है और वो वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। आपको लगता है कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज बची हुई है? और CBI और बाकी जो इनकी संस्थाएं हैं, ये अब तक क्या कर रही थी? इस बात का इंतजार कर रही थी कि जब देश में इसको लेके हंगामा होगा तब हम रस्मदायगी करेंगे? तो इसलिए मुझे तो शर्म आती है कि भारत का रखवाला, भारत का अभिभावक, भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो जब देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है, वो अपना बूथ मजबूत करने में जुटा हुआ है, राजस्थान की चुनावी रैलियां कर रहा है। मुझे तो शर्म आती है भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कि जब देश के एक हिस्से में हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री पटाखा जला रहा है, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री पटाखा जला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, कम से कम जरा सी भी अगर आपके अंदर शर्म बची हो तो सदन में आइए और मणिपुर को शांत कैसे करेंगे इसकी चिंता कीजिए। आप 24 में कैसे सत्ता में आएंगे, उसकी भूख आपको सता रही है। आप इंडिया को गालियां दे रहे हैं, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, इतने आप बदहवास हो चुके हैं।